हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। आज हम बनाएंगे सुबह में ब्रेकफास्ट में बहुत ही टेस्टी कले चने का नाश्ता। और देखने में आप देख के समझ गए होंगे कितना टेस्टी और यम्मी होने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे बनाना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सके। और आप लोग को दिल से शुक्रिया अदा कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट देते हैं, प्यार करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के मेरा वीडियो भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो इसे बनाने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे 1 केजी चना, जो काला वाला चना आता है वो हम चना लिए हैं। उसको पूरी नाइट भिंगा के रख दिए थे। पूरी नाइट के लिए आपको भिंगाना है। अगर अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो सोचते हैं कि चना बहुत अच्छे से फूल जाए तो आपको पूरी नाइट फुला के रखना है इसको। इसके बाद इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे, बिल्कुल अच्छे से इसको साफ कर लीजिए 2 से 3 पानी डाल के। और इसको सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के उबालने के लिए रखेंगे, क्योंकि 2 से 3 पानी डालने के बाद ये होता है कि जो पूरी नाइट हम भिगा के रखते हैं ना तो हल्का फुल्का उसमें स्मेल आने लगता है। तो उसे 2 से 3 पानी हम धो देते हैं तो बिल्कुल अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। और पूरी नाइट भिगाने का रीजन ये होता है कि पूरी नाइट जब इसे हम भिगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। इसमें डाल देंगे हम ग्लास से, अगर बताएं तो आपको 1 गिलास पानी डालना है। यानी क्वांटिटी से बताएं तो आपको यहाँ पे 250 ग्राम पानी डालना है। इससे ज्यादा हम पानी नहीं डालेंगे, 250 से 300 ग्राम पानी डाल दीजिए ताकि थोड़ा सा बस चना जो है ऊपर से कवर हो जाए। और चना को हम पकाएंगे 5 से 6 सीटी आने तक, बिल्कुल हाई फ्लेम पे, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। और इसमें नमक डाल देंगे। नमक इसलिए हम चना में डाल रहे हैं कि जब चना उबलते समय इसमें नमक डाल देंगे ना तो उबलने में बहुत ही अच्छे से उबल जाता है और इसमें नमक जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके बाद कुकर का लेट लगा के इसे रख देंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पे, 6 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। तब तक से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए लिए हैं 8 से 10 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 गांठ लहसुन का, और उसको अच्छे से सबको धो के साफ कर लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आपको काली मिर्च का अगर पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च ऐसे साबुत डाल सकते हैं। और तब तक से चना को देख लेते हैं। चना में 6 सीटी आ गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चना हमारा जो है सॉफ्ट हो गया है। तो आपको दिखाते भी हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमें चना कितना पकाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से हमें चना पकाना है। अगर इस तरीके से चना पका के हम बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बिल्कुल मसालेदार बना के तैयार करेंगे। इसके लिए लिए कुकर, कुकर में डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसमें डाल देंगे बारीकी चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज की क्वांटिटी आप अपने यहाँ कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपको प्याज खाना पसंद है तो ज्यादा कर सकते हैं। पर प्याज लिए हैं 3, 3 प्याज को बिल्कुल मीडियम साइज का था उसको चॉप कर लिए हैं। आप चॉपर से चॉप कर लीजिए या छोटे छोटे स्लाइस में इसको कट कर लीजिए या मिक्सी ग्राइंड में डाल के इसको पीस भी सकते हैं। तो हम इसे बस इस तरीके से चॉप कर लिए हैं क्योंकि चॉप किया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे भूनेंगे तब तक जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए या सुंदर सुंदर सा खुशबू ना आने लगे, तब तक से आप इसे भूनना है। भूनने के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, भूनने के लिए मीडियम फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे ताकि मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून जाएगा प्याज। प्याज का हल्का जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो हम पीस के रखे थे। और सबको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले साबुत सा डाल देंगे। और इसमें आपको पिसा हुआ कुछ मसाले ऐड करना है, जैसे आप लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। सबको डाल के अच्छे से भून लेंगे और जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो आप कुछ भी और अगर गर्म मसाले में ऐड करना चाहते हैं तो गर्म मसाला डाल सकते हैं या किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। पर बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप पाव भाजी मसाला डालिएगा तो, क्योंकि 1 चम्मच अगर आप पाव भाजी मसाला डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल जले नहीं, क्योंकि अगर मसाला जो है बिल्कुल ड्राई है, ड्राई मसाला अगर हम इस तरीके से भूनेंगे तो मसाला जो है जल जाता है और उसका खुशबू भी अच्छा नहीं आता है और मसाला भी अच्छे से नहीं भुनता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि जो मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। अगर एक और आपको तरीका बताते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ड्राई मसाले को पहले से पानी में भिगा के रख दीजिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल करिए जब बनाने खाना चलते हैं तब, तो उससे और भी ज्यादा अच्छा खुशबू आता है। उसके बाद डाल देंगे नमक। नमक आपको ध्यान रखना है कि पहले भी चना उबालते समय हम नमक डाले थे तो नमक का क्वांटिटी आपको कम ही डालना है। नमक डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। मसाले को भूनना है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही मसाले से हल्का तेल अलग होने लगेगा तो हमको डाल देना है टमाटर। टमाटर बिल्कुल हम चॉप करके डाल रहे हैं, इसको ग्राइंड करके नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें ग्रेवी थिक नहीं बनाना है। ग्रेवी थिक बनाना रहता है तो हम लोग मसाला ग्राइंड करके डालते हैं प्याज टमाटर, क्योंकि उससे ये होता है कि ग्रेवी हमारा थिक बनता है। अगर ग्रेवी आपको थिक नहीं बनाना है तो टमाटर इस तरीके से चॉप करके डाल सकते हैं।
जिससे टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम नमक पहले से डाले हैं तब हमें नमक नहीं डालना है। टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने देंगे, जैसे टमाटर हल्का सॉफ्ट होगा बाकी का सारा क्या क्या डालना है वो आपको हम बताते हैं। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी के साथ मसाला और टमाटर को सबको अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि टमाटर भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला हमारा पहले से भुना हुआ है और भी अच्छे से भुन जाएगा थोड़ा सा पानी डालने की वजह से। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है, तो आपको कोई भी और इसमें लाल मिर्च या अदर फूड कलर का डालने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। खास करके सुबह में अगर ब्रेकफास्ट में आप इसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या इवनिंग के टाइम में भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब लेट हटा के देखते हैं ढक्कन कि हमें पका हुआ मसाला कैसा हुआ है। हमें पकाते हुए मसाला को लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और 3 से 4 मिनट के बाद हम मसाला को देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और टमाटर जो है वो भी अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और मसाले से तेल भी अलग हो गया है। तो इसी तरीके का हमें मसाला चाहिए। जब मसाला बिल्कुल अच्छे से पक जाता है ना तो उसका खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाता है और मसाले से तेल भी रिलीज हो जाता है। तो ये पहचान होती है मसाला अच्छे से पकने का। इसके बाद डाल देंगे चना, जो चना को उबाल के रखे थे काले वाले, वो सारा चना डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारा चना डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ड्राई बनाना है, मसालेदार बनाना है। पानी पहले से हम डाले थे मसालों को पकाते समय, तो इसलिए पानी का बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरीके से कले चने का आप छोला भी बना सकते हैं, ड्राई मसाला वाला भी कला चना इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको आप चने का घुघरी भी बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है वो बताइएगा। अगर कले चने का आप छोला देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, उसका भी रेसिपी बहुत जल्द आप लोग के साथ अपलोड करेंगे। तो ये देखिए हल्का से इसको ढक देते हैं, ढक के 2 मिनट तक के लिए पका लेते हैं ताकि जो चना में सारा मसाला का फ्लेवर चला जाए और हमारा चना जो है हल्का और सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा काला चना, और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है ना। इस तरीके से काला चना बनाना बहुत ही आसान है और एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और आप लोग को कैसा लगता है काले चना का मसालेदार ये रेसिपी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट आता है कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने प्रियंका डीसीबी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट आपको कौन सा रेसिपी देखना है वो भी मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। जब फैमिली का सपोर्ट होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, किसी को काम को करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है काम करना। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यम्मी हमारा जो है बनके मसालेदार चना तैयार हो गया है। आप लोग भी एंजॉय करिए मेरे साथ और ये देखिए देखने में कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है ना। तो कब आप लोग बना रहे हैं और आपके घर में किस किस को पसंद आया वो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे आपको डेली रिव्यू वीडियो भी मिल जाता है, अगर रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं। आप लोग के हर प्रॉब्लम से रिलेटिव रिव्यू वीडियो देते हैं। तो आज का कुकिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।